नमस्कार मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और यह है बुक्स टू रेफर फॉर एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट तो एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर की जो पोजीशन आई हुई है जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 26 जून है उसी से रिलेटेड कैसे एग्जाम की तैयारी करें कौन कौन से किताबें पढ़नी है क्या टॉपिक्स होंगे उसके बारे में यह वीडियो है ये सिलेबस जो मैं जिस बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये 2022 में एग्जाम्स हुए थे तब जो सिलेबस रिलीज किया गया था उसके बेसिस पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस अभी तक रिलीज नहीं हुआ है पर सिलेबस हर एग्जाम का मिलता जुलता ही होता है तो जब तक इस एग्जाम का सिलेबस रिलीज नहीं होता है तब तक आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं तो उसको अभी देख लीजिए और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई वीडियोस के लिए और इस एग्जाम से जुड़ी हर तैयारी और हर जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो लेट्स बिगिन तो सिलेबस में जो पहले

थर्मोडाइनामिक्स एंड कैनेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये सारे सब टॉपिक्स हैं और इसके लिए जो बेस्ट बुक रहेगी आप ले सकते हैं एनसीईआरटी बुक फॉर केमिस्ट्री फिजिकल एंड ऑर्गेनिक फॉर स्टैंडर्ड इलेवन एंड ट्वेल्व तो एनसीईआरटी टी की जो बुक होती है इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री के लिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो आप ले लीजिए उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे या फिर सीबीएसई इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की जो बुक होती है केमस्ट्री की वो वो भी आप ले सकते हैं उसमें ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का ही ये सारे टॉपिक्स है तो कोई भी अच्छी बुक जिसको आप पसंद करते हैं आप वो ले सकते हैं कुछ ना समझ में आए तो फिर एनसीआरटी की इलेवंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की बुक ले लीजिए उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ठीक है फिर है प्रिंसिपल्स ऑफ वाटर केमिस्ट्री क्योंकि वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन्वायरमेंटल साइंसेज में तो इसलिए वाटर को तो बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है और इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स एसिड बेस इक्विलिब्रिया बफर सोलूशन कार्बोनेट सिस्टम सोलिबिलिटी ऑफ वाटर कॉम्प्लेक्सेशन प्रेसिपिटेशन रीडॉक्स रिएक्शन वाटर एंड कंटेमिनेशन ये इतने सारे टॉपिक्स हैं वाटर केमिस्ट्री में और इसके लिए कौन सी किताब ठीक रहेगी वन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाई ए के डे ये सबसे अच्छी किताब रहेगी और वाटर कंटेमिनेट्स एंड के बारे में जो जो टॉपिक्स है वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और बाई ए के डे में भी लगेगी और पोल्यूशन इंजीनियरिंग गर्म उसमें भी ये आपको वाटर का टॉपिक आपको मिल जाएगा इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट शर्मा उस पर भी आपको ये वाटर का टॉपिक मिल जाएगा क्योंकि वाटर कंटेमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एन्वायरमेंटल साइंस से जुड़े हर एग्जाम में इस टॉपिक से काफी क्वेश्चन आते हैं और इस एग्जाम में भी आएंगे ही इसके अलावा एन्वायरमेंटल साइंस बाय एस सी सैंट्रा यात्रा तो ये किताब जो है ये बहुत पॉपुलर है मैंने खुद ये किताब नहीं पढ़ी है पर इसमें इन्वायरमेंटल काफी सारे टॉपिक्स कवर्ड रहते हैं तो इस किताब को आप इस एग्जाम के लिए ले सकते हैं अच्छी किताब होनी चाहिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप किताब के रिव्यूज देख लें अगर आपको ऑनलाइन मिल जाता है तो या फिर आप किसी लोकल बुक स्टोर पर जाके इन सभी किताबों को लीजिए और उलट पलट के इसका इंडेक्स देख लीजिए

उसमें अलग अलग लेक्चर्स है तो उसके ये लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ इसके अलावा टॉपिक है डीओ एस्टिमेशन यूजिंग मॉडिफाइड मेथड ये लेक्चर सेवनटीन है ये सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे आपके और वो इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका नाम है डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल साइंसेस इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप ये लेक्चर्स को ढूंढ सकते हैं ठीक है थीके? तो इस टॉपिक के लिए ये सारे बुक्स और ये सारे वीडियोस इंपॉर्टेंट होंगे और मैं एक चीज आपको आगाह कर दू कि पूरी किताब नहीं चाटनी पूरी किताब चाटिएगा तो पागल हो जाएगा किताब को लीजिए और उसके इंडेक्स में ये सारे टॉपिक्स मार्क कर लीजिए जहां जहां आपको मिले और उतना ही पढ़ना है मेरे पास इस वक्त वो सभी किताबें नहीं है क्योंकि मैं अपने घर से दूर हूँ एक महीने के लिए तो इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट बुक चैप्टर और पेज नंबर नहीं बता पा रही हूँ यूजली जब मैं ऐसे वीडियोज बनाती हूँ तो मैं बुक चैप्टर और पेज नंबर भी बता पाती हूँ और क्योंकि मैं घर से दूर हूँ किताबें मेरे पास नहीं है तो मैं आपको सिर्फ बुक्स के नाम रिकमेंड कर रही हूँ और उसके इंडेक्स में जाके इन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए और उतना ही पढ़ना है ठीक है और कुछ चीजें से अगर आपको इन किताबों में नहीं मिलती है तो फिर जो इलेवंथ और ट्वेल्थ लेवल की केमिस्ट्री की किताब है उसमें आपको ये सब मिल जाएगा अगला टॉपिक है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फरस पोटेशियम कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी सोडियम रेशियो एंड बेस सैचुरेशन तो ये है सॉयल केमिस्ट्री के बारे में इकोलॉजी एंड बाय शर्मा इस किताब में एक पूरा चैप्टर है वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं और अगर गलती से कुछ इसमें से इस किताब में नहीं मिलता है तो आप इंटरनेट पे वो टॉपिक ढूंढ के उसको पढ़ सकते हैं हमेशा मैं रिकमेंड करूंगी कि जितनी किताबें मैं बता रही हूँ उसमें ये सारे टॉपिक्स होंगे लेकिन फिर भी कुछ आपको लगे कि नहीं मिल पाया किताबों में तो आप इंटरनेट पर ढूंढ लीजिए आसानी से मिल जाता है अगला है एटमोसफेरिक केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमोसफेयर रिएक्टिविटी ऑफ ट्रेस सबस्टेंसेज इन द एटमोसफेयर अर्बन एटमोसफेयर स्मॉग एंड पर्टिकुलेट पोलिशन ओजोन केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ एटमोसफेयर इसके लिए बहुत अच्छी किताब रहती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय ए के उसमें एटमोस्फेयर केमिस्ट्री अच्छे से डील की हुई है इसके अलावा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पीटी शर्मा उसमें भी आपको इसमें से कुछ टॉपिक मिल जाएंगे अगेन आप बुक में जाके उसके इंडेक्स मार कर लीजिए इस टॉपिक को मैंने भी बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और काफी वीडियोस इस टॉपिक को मैंने बनाए हैं जो मैं आपको खोल खोल के एक एक करके दिखा देती हैं कौन कौन से वीडियोस हैं

बिहाइंड फोटोकेमिकल स्मॉग ये भी अच्छा है लेक्चर फोर्टी फाइव साइंस बिहाइंड फोटोकेमिकल स्मॉग ये भी लिंक डिस्कशन बॉक्स में आपको दिया जाएगा आप देख लीजिएगा और फाइनली है लेक्चर फोर्टी सिक्स इफेक्ट एंड कंट्रोल मेशर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग तो ये सारे लेक्चर्स इंपॉर्टेंट होंगे जिसमें ये सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं ठीक है इसके अलावा सेक्शन थ्री है एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी प्रोकैरियो एंडियोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स माइक्रोवेल क्लासिफिकेशन माइक्रोवेल डाइवर्सिटी प्लांट माइक्रोव एंड सॉइल माइक्रोव इंटरेक्शन रोल ऑफ माइक्रोब्स इन बेस ट्रीटमेंट एंड बायो रेमिडिएशन एंड बायोजियो केमिकल साइक्लिंग ये है एनवायरमेंटल माइक्रोबाइलॉजी में इसके लिए भी एनी बुक ऑफ माइक्रोबॉलॉजी और बायोलॉजी फॉर क्लास इलेवेंथ एंड जिस तरह का ये टॉपिक है जिस तरह के उसमें ट्वेल्थ और इलेवेंथ और ट्वेल्थ लेवल की माइक्रोबॉलॉजी है बेसिकली ये और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट पर पीटी शर्मा उसमें भी इसमें से कुछ टॉपिक जैसे वेस्ट वगैरह ये सब टॉपिक्स इसमें कवर्ड है तो आप ये टॉपिक्स के लिए ले सकते हैं इस किताब को ठीक है तो इन दोनों से आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे है सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स पॉलिसक्राइड बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल structure and function of cytoplasmic membrane, cell wall and outer membrane, glycocalyx, chromosome, endospores, storage products, mitochondria and chloroplasts. तो so, ये सारा topic. है और इसके लिए best book रहेगी NCERT book for biology 11th, 11th uh, for level 11th and 12th. 11th or 12th standard ka jo biology ka book होता है ना कोई भी ले लीजिए best रहेगा NCERT असे CBSE की कोई book ले लीजिए ICSE की कोई book ले को लीजिए उसमें ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे एनी अदर बुक ऑफ सिमिलर लेवल ये सारे आपको मिल जाएंगे अगला है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म और उसमें है एनोबोलिज्मिज्मीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फर्मेंटेशन एनोरोबिक रेस्पिरेशन एनर्जी बैलेंसेज एनजाइम एंड एनजाइम का इसके लिए भी 11, एनसीआर बुक फॉर बायोजी ऑफ फॉर इलेवन इलेवें बुक ऑफ सिमिलर लेवल टॉपिक्स उसके अलावा कोई और बुक जो आप जानते हैं जिसमें ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे तो आप वो भी ले सकते हैं जो बुक्स मैं वो, हैं, तो आप वो ले ठीक है? आगे बढ़ते हैं आगे है, ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेजम्स बैक्टीरियल न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ स्पेसिफिक एं ग्रोथ रेट एंड डबलिंग टाइम मोनोड्स मॉडल टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बैच एंड कंटिन्यूस कल्चर इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन ग्रोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ माइक्रोवियल कंट्रोल ये सारे टॉपिक और बुक इसके लिए भी वही लगेगी एनसीआर बुक फॉर बायोलोजी फॉर इलेवंथ एंड ट्वेल्थ और ट्वेल्थ की जो बायलॉजी बुक होती है उसमें ही ये सारे टॉपिक्स आपको मिलेंगे और अगर कुछ ऐसा है जो इस ये टॉपिक्स में से जो इस किताब में नहीं मिल पाया तो आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं अगला है माइक्रोबायलि एंड हेल्थ

लेक्चर फोर्टी थ्री हाउ डज वाटर पोल्यूशन इम्पैक्ट ह्यूम तो ये है इसको आप देख लीजिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं आ गया सेक्शन फोर वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंटल हाइड्रोलिक्स और इसमें सब टॉपिक्स हैं ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड थ्रेट्स टू इट्स क्वालिटी एंड वाटर कंजर्वेशन तो ये टॉपिक्स किस किताब में कवर होंगे हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग वॉल्यूम वन बाय एस के गर्ग संतोष कुमार गर्ग जी की किताब है बहुत पॉपुलर किताब है जब भी आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव में कुछ ऐसे टॉपिक्स आए जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं तो एस के गर्ग की किताब बहुत ठीक रहती है हाइड्रोलॉजी एंड ओटर इंजीनियरिंग बहुत अच्छी किताब है इसके अलावा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाय एस के गर्ग ये किताब भी बहुत ही अच्छी उसमें भी इन दोनों ही किताबों में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर तो यहाँ जो है थ्रेट्स टू इट्स क्वालिटी की वॉटर क्वालिटी के लिए तो क्या थ्रेट्स हैं उससे जुड़ा हुआ मैंने एक वीडियो बनाया था वॉट इज यूट्रिफिकेशन पार्ट वन क्योंकि water is one of the threats to water quality. तो ये वीडियो इसलिए मैंने बनाया था और इसको आप देख लीजिएगा ये भी डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज में है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी ये सारे लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है आगे सरफेस वाटर रिसोर्सेज हाइड्रोलॉजिक साइकिल एंड वाटर बैलेंस फ्लू हाइड्रोक्राफ्ट उसके लिए भी किताब हाइड्रोलॉजी एंड वॉटर रिसोर्स इंजीनियरिंग वॉल्यूम वन बाई एस के गर्ग हाइड्रोलॉजी और वॉटर रिसोर्स से जुड़े हुई कोई भी टॉपिक के लिए यह किताब बहुत ही अच्छी रहती है मैंने खुद पढ़ी है आगे बढ़ते हैं अगला टॉपिक है और उसके अंदर सब कन्फाइंड एंड सैचुरटेड स्टडी स्टेट एंड सी लगेंगी हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग वॉल्यूम वन या फिर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाई एसके दोनों में से कोई भी किताब हुए ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे कोई भी एक किताब तो आप ले ही लीजिए इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स Concepts of mechanics, properties of fluids, pressure measurement, hydrostatistic force on surfaces, buoyancy and flotation, laminar and turbulent flow, flow through pipes, pipe networks, boundary layer theory, forces on immersed bodies, flow measurement in channels and pipes, kinematics of flow, continuity, momentum and energy equations, channel, hydraulic specific energy, critical flow, hydraulic jump. These are the topics. और ये टॉपिक्स मिलेंगे आपको हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेस इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग या फिर वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग इन दोनों बुक्स में आपको ये सारे टॉपिक्स मिल ही जाएंगे वैसे मैंने एक इंटरनेट पे में सोर्स मेंशन किया है यहाँ पर पर ये दोनों बुक्स अगर आपके पास हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें मिल जाएंगे फिर है रैपिड राप, एंड एंड ग्रेजुअली फ्लो डिजाइन ऑफ चैनल्स और बुक्स टू रेफर है हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग ठीक है आता है सेक्शन फाइव वॉटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट उसमें सब टॉपिक्स है ठीक है और है वॉटर ट्रीटमेंट मेथड पॉइंट एंड नॉन पॉइंट सोर्सेज ऑफ वेस्ट वाटर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स डिजाइन ऑफ सुअर्स एंड स्ट्रॉन्ग वॉटर सुअर्स सुअर अपर्टिन और इसके लिए जो बुक्स चाहिए होंगी वो है खोल के दिखा देती हूँ ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा इसके अलावा है लेक्चर फोर्टी टू वाटर पोल्यूशन पाइप पार्ट टू टाइप्स ऑफ वाटर पोल्यूशन उसमें पॉइंट एंड नॉन पॉइंट को मैंने डिस्कस किया है तो ये भी इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा और ये सभी लेक्चर्स लेक्चर्स डिटेल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस नाम के में आपको मिल जाएंगे इस प्ले में कोई भी जो लेक्चर है वो वेस्ट नहीं है सभी यूजफुल लेक्चर्स है और इस एग्जाम से जुड़ी तैयारी के लिए इस प्ले को आपको ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है एक एक वीडियो है एक एक टॉपिक को कवर करते हुए ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा जो मैंने वीडियो बनाया है लेक्चर फोर्टी वन वाटर पोल्यूशन पार्ट वन डेफिनेशन कॉजेस एंड सोर्सेस ऑफ वाटर पोल्यूशन तो ये है ये भी इसी प्लेलिस्ट में है और उसके बाद है यूट्रोफिकेशन का ये वीडियो है लेक्चर फिफ्टीन यूट्रोफिकेशन पार्ट वन लेक्चर सिक्सटीन यूट्रोफिकेशन पार्ट टू ये दोनों है ठीक है लेकिन पार्ट वन जो है लेक्चर फिफ्टीन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है

और जो वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाया है वो मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ मेरे वीडियोज को आप एक बार कम से कम रिकमेंड करूंगी जरूर देखें इसलिए क्योंकि बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं अपनी हर बात को मैंने समझाया है और साथ में वीडियोज में, में स्लाइड्स हैं जिसमें नोट्स लिखे हुए हैं तो वो आपको नोट्स से मिल जाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात भी समझ में आ जाएगी तो आसान भाषा में है तो लिखिये थर्टी थ्रू थर्टी थ्री ऑपरेशन ऑफ सूज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सूज और एफ्लुएंट एक ही बात है ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट एफ्लुएंट एक ही होता है तो लेक्चर थर्टी थ्री है ये तो ये सोएज ट्रीटमेंट से रिलेटेड है इसको जरूर देखिए और बहुत ध्यान से देखिए ये भी डिटेल लेक्चर्स ऑफ नाम के प्लेलिस्ट में है है ठीक इसको जरूर देखिएगा इससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं आगे सोर्सेस एंड कैरेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स सीईटीपी मतलब कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ये टॉपिक है और बुक जो चाहिए होगी वो होगी सुज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग

indoor air pollution and its effects, gaseous and particulate pollution, NACS, matlab, National Ambient Air Quality Standards, primary and secondary pollutants, criteria pollutants, ambient and sources standards, air quality indices, and visibility. These are the topics section 6. Man. All books to refer to. Environmental Chemistry by A.K. Day, Sewage so Disposal and Air Pollution Engineering by S.K. Garg, Ecology and Environment by P.D. Sharma, इन्वायरमेंटल साइंस बाई एस सी सेंट्रा विच इज ऑप्शनल ऑप्शनल मैं इस किताब को इसलिए लिखती हूँ क्योंकि मैंने ये किताब खुद नहीं पढ़ी है पर मैंने इसके रिव्यूज देखे अच्छे थे इसलिए मैंने यहाँ पे रिकमेंड किए ठीक है थीके? और इस टॉपिक इन टॉपिक्स को कवर करते हुए मैंने एयर पोल्यूशन से और नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़े हुए काफी सारे लेक्चर्स बनाए हैं तो मैं बता रही हूँ लेक्चर एटीन टू ट्वेंटी जो कि उसमें आप पढ़ लीजिएगा ये प्ले है इसका लिंक मैं दे दूंगी तो एयर पोल्यूशन रिलेटेड आप देख सकते हैं एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन रिलेटेड मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं तो वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे इस एग्जाम में आप एक बार कम से कम उन वीडियोस को जरूर देखिए कोई पैसे नहीं लग रहे हैं पर एग्जाम की तैयारी में आपको काफी हेल्प मिलेगी और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा बताया है मैंने जिससे आप डिसी करते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं मैं कमेंट्स का जवाब जवाब भी दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स भी साथ ही साथ क्लियर होते जाए ठीक है आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट एंड कंट्रोल मेथड्स ऑफ पर्टिकुलर पोल्यूटेंट्स फॉर एक्जाम्पल ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर्स साइक्लोन सेपरेटर्स वेट कलेक्टर्स फैब्रिक फिल्टर्स एंड ई एस पी ई एस पी स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स ठीक है इसके लिए भी जो बुक चाहिए होगी वो है स्विच डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग स्वच डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग इस किताब में एयर पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नॉइज पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन ये सब कुछ कवर्ड है तो बहुत अच्छी किताब है ये और इन टॉपिक्स को तो कवर करते हुए मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए थे अगेन लेक्चर टू एंड एट इन टू सेम ट्वेंटी में जैसे मैंने ऊपर बताया तो वो सारे टॉपिक्स यही प्ले लिस्ट है sciences, इसको जरूर आप आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ गैश पोल्यूटेंट्स फॉर एग्जांपल अब्सॉर्न एडसॉर्शन कंडेंसेशन एंड कंबशन कंट्रोल ऑफ सल्फर ऑक्साइड्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन And Air Pollution Engineering भाई एसके गर्ग और इंटरनेट इन दोनों सोर्स से आपके ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे अगला है ऑटोमोटिव इमोशन कंट्रोल फ्यूअल क्वालिटी डीजल डीजल फिल्टर्स कैटलेटिक कन्वर्टर्स इसके लिए जो बेस्ट सोर्स रहेगा वो होगा इंटरनेट और साथ ही स्वेज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एसके सब टॉपिक्स मिल जाएंगे फिर है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट पॉइंट लाइन एंड एरिया सोर्सेस इन्वेंटरी डायग्राम स्टेबिलिटी स्टेबि मिक्सिंग हाइट टोपोग्राफी टिस्पोर्शन मॉडलिंग एंड मॉनिटरिंग ये सारा होगा और इसका सोर्स भी यही इंटरनेट एंड एंडल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई गर्ग ठीक है इन दोनों सोर्सेस से आपके ये सारे दोनों क्लियर हो जाएंगे टॉपिक कवर हो जाएंगे फिर है नॉइज पोल्यूशन सोर्सेज हेल्थ इफेक्ट स्टैंडर्ड्स एंड मेजरमेंट एंड कंट्रोल मेथड ठीक है बुक चाहिए होगी डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग गर्ग सेक्शन आ गया सॉलिड एंड वेस्ट मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट हायरार्की रूल्स एंड रेगुलशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया और बुक चाहिए होगी सोएज डिस्पोजल एंड एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एसके गर्ग ये मेरी प्लेलिस्ट है एनवायरमेंटल साइंस इन इसमें सारे ही वीडियोज एक से दो मिनट के हैं और उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुआ काफी लॉज के बारे में मैंने बताया है। ठीक है इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसमें सारे ही लॉज के बारे में और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया हुआ है जैसे डू यू नो अबाउट द मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी वट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी सिक्सटीन ठीक है ये हो गया डिड यू नो अबाउट द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ट्वेंटी सिक्सटीन ठीक है what are hazardous and other waste management and transboundary movement rules 2016 what is motor vehicles act 1988 to is tarah se bahut sare videos maine banaye hue hain aur uske upar what is biomedical waste what is municipal solid waste solid waste management rules 2016 theek hai to ye kai sare videos hain इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की लॉ के ऊपर है you know, EPA 1986 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एग्जाम में पूछा ही जाता है इसके अलावा वॉट इज एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एक्ट पोलूशन टू ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिलेबस में कवर्ड भी है तो ऐसे कई सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे आप अ, मेरे इस प्ले लिस्ट में फ्लू गैस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया यूट्रिफिकेशन और न्यूट्रल पोल्यूशन सब शॉर्ट में समझाया गया तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये, ये प्ले लिस्ट है और प्लीज इसको जरूर हर वीडियो इंपॉर्टेंट है इस प्लेलिस्ट का आप जरूर देखिए एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट क्लियर होने में ठीक है अगला है म्यूनिसपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सोर्सेज जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल इंक्लूडिंग रिडक्शन एंड ऑफ वेस्ट और ये है लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है काफी लोगों ने देखा है आप देख सकते हैं थर्टी टू लाइक्स हैं और वन पॉइंट टू थाउजेंड व्यूज हैं मेरे छोटे से चैनल पे इस वीडियो पे

वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस इंक्लूडिंग स्टोरेज कलेक्शन एंड ट्रांसफर और इसके लिए आपका सोर्स होगा वो इंटरनेट और स्वच्छ डिस्पोजल एंड एपोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एसके दोनों sources से आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे और कुछ जो मैंने आपको पहले ही प्ले लिस्ट दिखाई शॉर्ट विडियोज ऑफ एनवाटल साइंसिस में उसमें भी इसमें से कुछ टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं सेक्शन एट ग्लोबल एंड रीजनल एनवायरमेंटल इश्यूज ग्लोबल इफेक्ट ऑफ एपोलूशन ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज अर्बन हीट आइलैंड Acid and ozone hole. और इमेंट तो बुक।, बुक है तीसरा है इकोलॉजी शर्मा उसमें भी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे थीके? इन सारी बुक्स को लेके उसके इंडेक्स में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक में मार्क कर लीजिए और उतना ही आपको पढ़ना है मैं फिर कहती हूँ मैं अभी घर से दूर हूँ तो मेरे पास ये बुक्स नहीं है इसलिए मैं आपको एग्जैक्ट पेज नंबर या चैप्टर नहीं बता पा रही हूँ पर जैसे ही एन टी एन टी पी सी अपना इस साल का एग्जाम का सिलेबस रिलीज करेगी तब तक, तक मैं घर पे होंगी और मैं फिर से ऐसा ही एक वीडियो बनाऊंगी जो कि जो कि एकदम एक्यूरेट होगा लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड होगा पर अभी लेटेस्ट सिलेबस रिलीज नहीं हुआ है ये जो 2022 में एग्जाम हुआ था उसका सिलेबस है और इंटरनेट जहां जहां कहीं भी आपको सिलेबस दिख रहा है सिलेबस का कोई वीडियो दिख रहा है वो वही सिलेबस है जो 2022 के एग्जाम का है क्योंकि वो इस एग्जाम की तैयारी भी मैंने करवाई थी स्टूडेंट्स को इसलिए मुझे पता है ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोलना चाहती तो मैंने आपको बहुत क्लियरली सच सच बता दिया इकोलॉजी एंड वेरियस इकोसिस्टम बाई डाइवर्सिटी फैक्टर्स इंक्रीज इन पोल्यूशन एनर्जी कंजम्पन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ठीक है

और ये इन्वायरमेंटल इन प्ले लिस्ट में है इसके अलावा वीडियो है, पर वीडियो है, और ये भी में है। तो ये सारे वीडियो छोटे छोटे है एक से दो मिनट के ताकि जल्दी से स्टूडेंट्स रिवाइज कर सके अपना पूरा सिलेबस इसलिए मैंने छोटे और बड़े सब तरह के लेक्चर बनाए हैं ताकि स्टूडेंट समय के हिसाब से तैयारी कर सके डू यू नो अब सेंचुरी तो ये भी है ये भी इन्वायरमेंटल साइंस नक्शल प्ले लिस्ट में है ठीक है आगे और वीडियोस हैं लेक्चर वन जो मेरा पहला ही लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड डेफिनेशन तो ये पहला ही मेरा लेक्चर था पहला वीडियो मेरे चैनल पे था उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है तो वो इंपॉर्टेंट होगा इसलिए मैंने उसको भी आपको खोल के दिखाया है इसके अलावा ये पूरी प्ले लिस्ट है एनवायरमेंटल साइंस इन कई सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो, जो करंट इवेंट्स से ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है तो वो लिस्ट में ये प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और इसके अलावा लेक्चर ट्वेंटी सेवन टू थर्टी क्योंकि यहाँ पर ई आई ए की बात की गई है ऑडिटिंग की बात की गई है तो लेक्चर ट्वेंटी सेवन टू थर्टी जो है डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस ये प्ले लिस्ट है मेरी

तो ये सारे टॉपिक्स भी आपको इस प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे जिसका नाम है इनवायरमेंटल साइंस इन नेचुरल ना? मैंने आपको पहले भी खोल के दिखाया है इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे में दे दूंगी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स एनवायरमेंटल साइंस के कवर्ड है बहुत ही कुछ ई आई ए के बारे में है ई आई ए और आई ए सी और आई ए ए में क्या डिफरेंस है इन्वायरमेंटमेंट मैनेजमेंट प्लान और एनवायरमेंट मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है ई आई ए और ई आई एस में क्या डिफरेंस है ठीक है इसके अलावा इमेज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें लॉ लॉ स्पेशली से रिलेटेड काफी सारे मैंने इस प्ले में डाले हैं तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आप प्ले लिस्ट को जरूर 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 देखिए उसके बिना एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है वो प्ले लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एनर्जी एंड एनवायरमेंट एनर्जी सोर्स सोर्स ओवरव्यू ऑफ रिसोर्सेज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एनर्जी न्यूज ठीक है ये एनर्जी का टॉपिक बहुत हॉट है आजकल उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे ही आएंगे क्योंकि एनटीपीसी भी एनर्जी से ही डील करती है ना नेशनल थर्मल पावर प्लांट है तो ये भी है और इससे रिलेटेड बुक्स कौन सी होंगी एयर पोल्यूशन इंजीनियरिंग बाई एस के गर्ग इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट बाई पी टी शर्मा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बाय एके डे स्लैश एस सी सेंट्रा और इंटरनेट ये सारे सोर्सेस होंगे आपको ये टॉपिक सब कवर हो जाएंगे इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट

होते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए ग्रीन क्रेडिट्स क्या होते हैं इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में यह वीडियो पंद्रह दिन पहले ही बनाया था तो इससे भी ये भी करंट अफेयर का कर टॉपिक है और इससे भी क्वेश्चंस आपको इस एग्जाम में आएंगे ये टॉपिक एकदम लेटेस्ट है ये हाल में दो तीन छह महीने पहले का पहले सरकार ने लॉन्च किया है तो पिछले एग्जाम में ये पढ़ने की जरूरत नहीं थी ये था ही नहीं ग्रीन क्रेडिट ट्रेडिट्स थे ही नहीं अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है और उससे जुड़ा क्वेश्चन भी हर एग्जाम में आता है आगे बढ़ते हैं ये है कॉप के बारे में वॉट इज कॉप वॉप यू

लेट्स ईटीएफ एंड जीएसटी एग्रीमेंट से जुड़े हुए टर्म्स हैं ये सब क्या क्या है इनसे जुड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम में इसलिए मैंने ये वीडियो भी यहाँ पे रखा हुआ है ये सभी डिस्कशन बॉक्स में आपको लिंक दे दी जाएंगे आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं तसली से तैयारी शुरू कीजिए और आगे जैसे जैसे एन अपडेट करेगा मैं आपको अपडेट कर दी अब आ गया पार्ट बी ई ए टी मतलब एग्जीक्यूटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और इसमें होगा वर्बलेबिलिटी क्वानिटेटिव क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और इसके लिए किताब चाहिए होगा वर्बल एबिलिटी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एस एस सी टीयर टू मॉडल पेपर्स बाय नीतू सिंह ये अच्छी किताब है बेस्ट सेलर है और वर्बल एबिलिटी के लिए इंग्लिश के लिए काफी अच्छी रहती है और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए किताब लगेगी कि गेटवे टू तो, गेटवे टू तो जनरल एप्टीट्यूड ये भी पॉपुलर है आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छी लगे तो आप ले सकते हैं नहीं तो आप कोई अपनी पसंद की किताब ले सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए किताब है जनरल इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट बाई आर पी एच एडिटोरियल बोर्ड तो ये भी है ये सब रिकमेंड कर रही हूं पर जरूरी नहीं कि आप यही बुक्स लें अगर आपके पास कोई और बुक है या आपको कोई और बुक भाती है तो भी आप वो ले सकते हैं ये सिर्फ मैंने एक एक लिस्ट दे दी आपको ताकि आपको ये ना लगे कि टॉपिक तो मैंने बता दिया किताब क्या लगेगी तो ये किताब आप ले सकते हैं नहीं तो अपनी पसंद की कोई भी किताब ले सकते हैं ठीक है कोई भी डाउट हो आपको कोई भी डिसअग्रीमेंट हो कुछ भी सवाल हो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं मैं चौबीस घंटे के अंदर जवाब देती हूँ जनरली हर कमेंट का थैंक यू जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स